चलिए नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एस के आल नॉलेज में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे किसान भाई सितंबर और अगस्त में लौकी की खेती करते हैं उनको इस खेती से कितना लाभ प्राप्त होता है और लौकी की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी किसान संबंधित जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा किसान भाइयों तक पहुंचे। चलिए किसान भाइयों, आज मैं बताऊंगा कि सितंबर अक्टूबर में हमारे किसान भाई जो लौकी की खेती करते हैं वो इससे कितना लाभ लेते हैं। किसान भाइयों, लाभ लौकी की खेती से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने खेतों में जाकर देखना होगा कि कोई भी कीट प्रबंधन तो नहीं लगा हुआ है। जो किसान भाई हमारे अगस्त सितंबर में लौकी की खेती करते हैं तो उनको काफ़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस समय गर्मियां काफ़ी रहती हैं तो इनके काफ़ी पत्ते सूख जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं कि यहां पे सब पत्ते सूख गए हैं, लेकिन जो लौकी का फल है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हुआ है। ये तो सबसे अच्छी बात है। और जो नए फलों का विकास हो रहा है वो हो ही रहा है, और जो यहाँ पे फल लगे हुए हैं वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ और स्वस्थ लगे हुए हैं। चलिए मैं आप लोगों को लौकी के खेत का नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो अगस्त सितंबर में हमारे किसान भाई लौकी की खेती करते हैं वो किस प्रकार करते हैं और कितना लाभ लेते हैं।